ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत खबरों के सिलसिले तोड़ते हैं अगे। पंजाब के सरकारी स्कूलों च अज मैगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग का प्रबंध किया गया। जी हाँ, पटियाला के सरकारी स्कूल च इस मौके सीएम भगवंत मान खुद पहुंचे और नाल उन्होंने मौजूद सी मनीष सिसोदिया। जी हाँ, बच्चों के अध्यापकों को भी सीएम भगवंत मान मिलते विखाई दते। पीटीएम दौरान मापियां का दुख सुन के भावुक भी होंदे विखाई दते सीएम भगवंत मान। सीएम ने अपनी जिम्मेवारी तनदेही निभाने का भरोसा दिता। राजपुरा के सरकारी स्कूल च सिक्ख्या मंत्री हरजोत बैंस पहुंचे, बच्चों के अध्यापकों के नाल मुलाकात की, उन्होंने विचार सुने अते नाल ही भरोसा दवाया कि तमाम औकड़ा परेशानियां जो उन्होंने आ रही ने उन्होंने दूर किया जाएगा। तो एक मेगा इवेंट के तौर के उपर पंजाब सरकार वालों इस ऑर्गेनाइज किया गया। लुधियाना, मोगा, अमृतसर, गोइंदवाल साहब, हुशियारपुर मेगा पेरेंट्स टीचर मीटिंग का प्रबंध आज किया गया। स्कूल ही बोली जाता थोड़ा बहुत कुछ, स्कूल आईपीएस बोल रहे हैं, स्कूल आईएएस बोल रहे हैं, स्कूल डॉक्टर बोल रहे हैं, स्कूल इंजीनियर बोल रहे हैं, स्कूल देश का फ्यूचर बोल रहे हैं, तो साढ़े वर्गियां दे भाषण उत्ते की चलणगे। बच्चे अखां च पानी भी सी, मापियां दे अखां च पानी भी सी कि पहली बार सानू पता लग गया कि साढ़े बच्चों के टीचर कौन ने, नहीं तो असी तड़के ही उस उत्ते पए होंदे ने, आपां चले जांदे काम ते। असी एजुकेशन कमाल दी दे के तुहाडे प्राइवेट स्कूलों चो फीसां बचावांगे। असी इन्हां बच्चों आईपीएस आईएएस डिप्टी कमिश्नर डीसी सारे जिन्ने भी बड़े जज बनावांगे, मौका मिलूगा इन्हां नूं। उधर पंजाब के सरकारी स्कूलों आयोजित की गई पीटीएम से कांग्रेस सूबा प्रधान राजा वड़िंग ने तंज कसिया। उन्होंने कहा कि मापियां का अध्यापकों के नाल मिलना कोई नवी गल नहीं है, आम आदमी पार्टी की इस सरकार नूं सिर्फ हर चीज़ नूं इवेंट बना के पेश करन दी आदत पई हुई है। नाल ही राजा वड़िंग ने कहा कि सीएम नूं समझना चाहिए कि यह सरकार चल रही है, कोई मशहूरी कंपनी नहीं। सरकार घट क्या करो, ईवेंट मैनेजमेंट कंपनी, तुसी ये कह सकते हो कि ईवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने हुण पेरेंट्स टीचर मीटिंग की थी। पेरेंट्स टीचर मीटिंग का पहला भी होंदी सी, हर माँ बाप का कंसर्न होंदा है कि मेरा बच्चा की कर रहा है, किवें कर रहा है, सो मिलते रहेंगे। अज दी कोई ये तो एक ईवेंट बना दिता गया कि स्पैशली इट्स अ ईवेंट, ये पहला भी पेरेंट टीचर मीटिंग होंदियां सी, हुण कोई वक्री नहीं हुई। सो मेरी तो बेनती है कि इस तरह हर छोटी छोटी चीज़ नूं एडवरटाइजमेंट करना, वट इज़ द रीज़न कि अज नक्कों बुलो क्यों लै गई है सरकार। 9 महीने दे विच सरकार का ग्राफ बहुत डिग पिया है, हर चीज़ नूं ईवेंट बना के करना। उधर हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नूं अज इक चिट्ठी लिखी है। अमृतसर तो नांदेड़ बंद हुई फ्लाइट नूं मुड़ तो शुरू करन दी अपील हरसिमरत कौर बादल ने की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल समय बंद हुई उड़ान मुड़ तो शुरू की जाए। श्री नांदेड़ साहब जान वाले खासकर बुजुर्ग श्रद्धालुओं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पै रहा, इस करके अमृतसर टू श्री नांदेड़ साहब फ्लाइट मुड़ तो शुरू की जाए। 29 दिसंबर को मनाए जाने वाले श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व मौके यह उड़ान शुरू किए जाने संबंधी अपील हरसिमरत कौर बादल करते विखाई दिए। इस दे नाल ही दिल्ली एयरपोर्ट के T3 Terminal 3 का नाम श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम से रखने की भी अपील हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय हवाबाजी मंत्री नूं कीती है। ट्वीट करके हरसिमरत कौर बादल लिखते हैं कि 29 दिसंबर को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व मौके पवित्र तख्त साहब के दर्शन करने के चाहवान श्रद्धालुओं की सहूलत के लिए कोविड महामारी तो बाद बंद पई अमृतसर नांदेड़ साहब की फ्लाइट को बहाल करने के लिए शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अपील की है। नाल ही मंत्री ने दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के Terminal 3 का नाम बदल के श्री गुरु तेग बहादुर जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा रखने की भी बेनती की है, ता जो जुलम के समय दौरान धार्मिक आज़ादी की राखी लिए गुरु साहब वालों दिए गए महान बलिदान को याद रखा जा सके। ट्वीट किया गया हरसिमरत कौर बादल वालों।
अगे वध्या सुखबीर सिंह बादल ने कथित 300 करोड़ रुपए के इश्तहार घोटाले की जांच के लिए राजपाल बनवारी लाल पुरोहित को चिट्ठी लिखी है। जी हाँ, गवर्नर को चिट्ठी लिख के सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि मान सरकार ने सरकारी इश्तहारों का सियासी उद्देशों के लिए इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट दी गाइडलाइनस की उलंघना के नाल पंजाबियों के नाल भी धोखा किया गया आम आदमी पार्टी वालों। आम आदमी पार्टी से केजरीवाल की मशहूरी के लिए पंजाबियों के पैसों को चूना लगाया गया है। टिप्पणी करद सुखबीर सिंह बादल ने एक चिट्ठी लिखी है राजपाल को, ना ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के उपराजपाल वालों आप आम आदमी पार्टी तो 97 करोड़ की वसूली की तर्ज से पंजाब के राजपाल भी नोटिस लैन, आम आदमी पार्टी तो 300 करोड़ रुपए की वसूली की जाए। राजपाल आप सरकार को सियासी इश्तहारबाजी तुरंत बंद कर हदायत देन, यह मंग सुखबीर सिंह बादल ने चुकी है। पंजाब सरकार ने पंजाब नू लुट दी मंडी बना के रखता और यह साबित करता कि अज पंजाब दे विच पंजाबियां दा राज नहीं गैर पंजाबियां दा राज आ। एक रेरा वर्गी एक उच्च संस्था दे विच गैर पंजाबी नू चेयरमैन लाउणा सत्यपाल गोपाल जिहड़े ने ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗਏ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਦਲੇ। ਐਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰਾਜਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ और खास तौर पर पंजाबियों से धौ जमाने वाली गल आ, खास तौर पर पंजाब नू लुटन वाली मंडी समझ के पंजाब दे विच पंजाबियों की तुहीन करन वाली गल आ कि पंजाब का कोई अधिकारी नहीं लभ्या इन्हां नू बाहरले लियाण के लांदे ने, ते केवल लुट लई भी बाहरले बंदे भरोसेयोग बंदे लिया के केजरीवाल साहब इत्थे तैनात कर रहे ने। ये पंजाबियों की अणख ते गैरत नू भी मैं समझदा बगार आ। मैं हुणे गवर्नर साहब नू चिट्ठी लिखी आ श्रोमणी अकाली दल वालों कि इस किस्म की रीत जिहड़ी है पंजाब सरकार नू उस पासे तुरन तो तुसी रोको, क्योंकि वह कस्टोडियन ने स्टेट दे, वह कस्टोडियन ने कॉन्स्टिट्यूशन दे, वह गैर पंजाबियों नू पंजाब ते इस तरह की लुटन की आग्या ना देन, इहदा नोटिस लैन। दूजी गल ये मैं चिट्ठी विच लिखी आ गवर्नर साहब नू कि जिहड़ा पंजाब दा खजाना लुटाता, पंजाब बेदर्दी नाल लुटिया गया, करोड़ां रुपए पंजाब दे सिर ते करजा पहले ही आ, 25-30 हज़ार करोड़ का करजा 9 महीनों के सिर विच हो गया पंजाब दे सिर ते, तकरीबन 9 महीनों विच 270 करोड़ रुपए के इश्तहार झूठ नूं सच बनाउण लई, झूठ का प्रचार करन लई, केजरीवाल का प्रचार करन लई देश दे विच किते तमिल भाषा, किते गुजराती भाषा, किते कर्नाटक भाषा दे विच इश्तहार लाए गए ने, जिहड़ा सरासर किसी एक पार्टी नूं लाहा देण वाली गल आ। मैं मंग कीती आ गवर्नर साहब तों कि ये जिहड़े फंड ने 270 करोड़ रुपए ये आप पार्टी तो वसूले जाण, ये पंजाब दे खजाने चों जिहड़ा ये पैसा लाया ये उत्ते रोक लाई जावे ते नोट्स लिया जावे, इहदा जवाब मंगिया जावे पंजाब सरकार तों। इस दे नाल ही रुकांगे इत्थे, इक छोटे जिहे ब्रेक दे लई, ब्रेक दे उस पार भी खबरां दा सिलसिला रहेगा जारी।